नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आपके चैनल अमेजर राज बहादुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। साथियों, ब्रह्मांड सदा अपने नियमों के अनुसार ही चलता है, यही ब्रह्मांडी नियम मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने भी कुछ लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं अपने जीवन और करियर में सफल होना चाहता हूं, और ऐसा करने वाले लोग इस बात पर भरोसा भी करते हैं, किंतु आपके निर्णयों और कार्यों की कसौटी का प्रमाण यही है। क्या ये कारगर रहे? क्या आपकी सोच के अनुसार किए गए काम आपको आपकी मनचाही दिशा या आपके लिए महत्वपूर्ण नतीजे माने जाने वाली दिशा में ले गए? दो ऐसे प्राकृतिक नियम हैं जो लोगों को उनके निजी जीवन, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों में उलझाए रखते हैं। पहले नियम का हम इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये दूसरा नियम है, ला आप परवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, प्रतिकूल परिणाम का नियम। अन्य ब्रह्मांडी नियमों की तरह ही यह भी एकदम परफेक्ट काम करता है, इसमें भी किसी तरह की चूक की संभावना नहीं है। इस नियम के अनुसार जब किसी सकारात्मक कार्य की वजह से ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जो इतने बदतर होते हैं मानो इस दिशा में कुछ किया ही ना गया हो, नहीं समझे? चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद को पैसा देते हैं तो समाज में उसे अल्पकालीन सहायता मिल जाती है, राइट? अब यहाँ इस नियम के अनुसार वह व्यक्ति आसानी से मिलने वाले पैसे का आदि बन सकता है, वह आने अपने काम को छोड़कर दूसरों पर निर्भर हो जाता है, यह अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान गंवा देता है। वह व्यक्ति ऐसे बदतर हालात में आ जाता है मानो उसके लिए कुछ किया ही न गया हो। समाज में जब भी जरूरतमंदों की मदद के लिए कोई दान या धनराशि दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को, जीवन की दशाओं में सुधार हो सके। परंतु जब यह नियम लागू हो जाता है तो वे आजीवन दूसरों पर निर्भरता और कुंठित भावना के आदि बन जाते हैं। इसलिए किसी से सहायता प्राप्त करने में सावधान रहें, ये आपको इस नियम में बांध सकते, जिसका परिणाम हताशा, असफलता और दुखी जीवन हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें, हम आपके योग सुझावों का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।